सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों Xiaomi के गेमिंग फोन ब्लैक साइट 2 इंडिया में लॉन्च हो गया और ये भी फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होने वाला है। इस फोन के बहुत से अच्छे अच्छे फीचर्स है जिसके कारण गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है ये फोन। और इस फोन के जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है जिसमें आपके आई प्रोटेक्शन भी मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। चलिए जान लेते हैं इस ब्लैक साइट 2 को, इसका टोटल फीचर्स क्या है और आपके लिए क्या फायदा है ये फोन लेने का। चलिए पहले आ जाते हैं इस फोन के डिस्प्ले को लेकर। इस फोन का जो डिस्प्ले होगा वो होगा 6.39 इंच के FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा डिस्प्ले में। और डिस्प्ले में कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है, जैसे लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है और दूसरा है नाइट मोड एक इस्तेमाल किया गया है जिसमें नाइट में ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा आएगा। दूसरा है सुपर आई प्रोटेक्शन मोड। इस आई प्रोटेक्शन मोड ऑन करने से ही आपके आँखों में जो प्रॉब्लम होता है कि मोबाइल इस्तेमाल करने से वो नहीं होगा, यानी कि बहुत अच्छे क्वालिटी के डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा, जो गेमिंग फोन के लिए एकदम जरूरी है। क्योंकि जब हम कोई फोन में गेम खेलते तो ज़्यादातर ध्यान हमारा इस डिस्प्ले में ही रहता है और इस डिस्प्ले को अच्छा होना ही चाहिए। इसी कारण ब्लैक साइट 2 के डिस्प्ले बहुत ही अच्छी क्वालिटी के दिया है। अभी आते हैं इस फोन के प्रोसेसर को लेकर। इस फोन में जो प्रोसेसर मिलेगा वो मिलेगा आपको सबसे बेहतर प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोसेसर है, सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। इसके साथ आपको GPU मिलेगा एड्रीनो 640, यानी कि अच्छे क्वालिटी के प्रोसेसर के साथ अच्छे क्वालिटी के GPU आपको मिल जाएगा, यानी कि हीटिंग इशू आपको इस फोन में नहीं दिखने को मिलेगा और गेमिंग बहुत ही फास्ट होगा। हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा, इसी कारण के लिए इस फोन में लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया है। और ये फोन आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, एक मिलेगा 6GB के वेरिएंट में और एक मिलेगा 12GB के वेरिएंट में। 6GB के वेरिएंट में जो मिलेगा उसके साथ रहेगा 128GB इंटरनल मेमोरी और 12GB के जो मिलेगा उसमें मिलेगा 256GB का इंटरनल मेमोरी, यानी कि अच्छा मेमोरी के साथ ये फोन आने वाला है। और इसमें एंड्रॉयड पाई अपडेट आउट ऑफ बॉक्स आपको मिल जाएगा देखने को। अभी आते हैं इस फोन के कैमरा वेरिएंट को लेकर। इसके रियर में दो कैमरा देखने को मिलेगा, एक मिलेगा 48 मेगापिक्सल का और एक मिलेगा 13 मेगापिक्सल का। 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा रहेगा वो रहेगा 1.79 अपर्चर की, यानी कि अच्छी क्वालिटी के फोटो इसमें आप ले सकते हो। और जो रहेगा 13 मेगापिक्सल के उसमें रहेगा f2.2 अपर्चर के और इसमें 2x जूम भी आप कर सकते हो, यानी कि प्राइमरी कैमरा एक अच्छा होने वाला है। और इसका जो सेल्फी कैमरा होगा या फ्रंट कैमरा वो होगा 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और उसके अपर्चर रहेगा f2.0, यानी कि कैमरा की तरफ देखा जाए तो कैमरा भी बहुत ही अच्छा होगा और इसका हाईलाइट भी होगा, क्योंकि कैमरा में कुछ कुछ ऐसा चीज़ इस्तेमाल किया गया है जो अभी तक रेडमी के फ़ोन में आपने देखा नहीं या Xiaomi के दूसरा कोई फ़ोन में देखा नहीं। इस फोन में ऐसा कुछ कैमरा में इम्प्रूव किया गया है, यानी कि कैमरा की तरफ अगर देखोगे तो भी ये फ़ोन एक अच्छा फोन है। अभी आते हैं इसके प्राइस को लेकर। इसका जो 6GB रैम के वेरिएंट रहेगा उसका कीमत रहेगा कुछ 40,000 और जो 12GB रैम है उसका कीमत रहेगा कुछ 50,000, यानी कि 40,000 और 50,000 के अंदर इतना अच्छा क्वालिटी की फ़ोन आ रहे हैं। तो उसमें अभी देखने का बात ये होगा कि OnePlus 7 और 7 Pro जो आने वाला है, आ गया है ऑलरेडी, उसका क्या होता है, क्योंकि इस फ़ोन का फीचर्स बहुत ही अच्छा है। और दूसरा चीज़ है कि इस फ़ोन के जो फीचर्स के साथ कूलिंग सिस्टम है वो भी एक अच्छा चीज़ है। मगर आपको मालूम होगा कि OnePlus 7 Pro में एक प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें ऑटोमेटिक डिस्प्ले में टच हो रहा है, ऐसा कुछ इशू भी ऑलरेडी आ गया है OnePlus 7 Pro में, OnePlus 7 में। तो अभी क्या करेगा जो लोग फ़ोन लेना चाहता है गेमिंग फ़ोन, उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है Xiaomi के ब्लैक साइट 2। अभी देखा जाए तो ब्लैक साइट 2 लेगा या कोई भी OnePlus लेगा, OnePlus एक अच्छा ब्रांड है मगर है तो चाइना ही, और Xiaomi भी एक चाइना ब्रांड है, यानी कि दोनों ब्रांड ही चाइना ब्रांड है। दोनों के तरफ देखा जाए तो दोनों का क्वालिटी एकदम सेम टू सेम हो सकता है, क्योंकि दोनों फ़ोन में जो भी चीज़ इस्तेमाल किया गया है कुछ चीज़ ज़्यादा है
आपको देखने को मिलेगा ब्लैक शार्क 2 में, क्योंकि इसको गेमिंग एडिशन में बनाया गया है, इसीलिए वन प्लस 7 या 7 प्रो से ये अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।